उत्तराखंड के लक्सर ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत घास मंडी वाल्मीकि बस्ती से एक 23 वर्षीय विवाहिता के लापता होने का मामला सामने आया है, जिसमें महिला के ससुराल पक्ष के लोगों ने ज्वालापुर कोतवाली में पहुंचकर विवाहिता के लापता होने का मामला दर्ज कराया है। मगर 11 दिन बीत जाने के बाद भी विवाहिता का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे पुलिस द्वारा महिला को तलाश करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। आपको बता दें कि लोहारी सराय वाल्मीकि बस्ती नगीना बिजनौर निवासी युवती अंशु की शादी बीते वर्ष 10 मई 2022 को घास मंडी वाल्मीकि बस्ती ज्वालापुर में की गई थी। विवाहिता के परिजनों ने बताया कि शादी के बाद से ही महिला का पति गोपाल शराब पीकर महिला के साथ मारपीट करते हुए उसे प्रताड़ित करने लगा था। मैं तो मुझे आप लोगों का नमस्कार। हम इसलिए पूछे कि 19:30 बजे को हमारी बहन को घर से इन्होंने निकाल दिया, ससुराल वालों ने निकाल दिया, गोपाल और उसके जो पिताजी हैं वो लक्ष्मण हैं, ये निवासी घास मंडी ज्वालापुर के। हमने शादी ज्वालापुर घास मंडी में ही की थी अपनी बहन की, क्योंकि अभी तक पता नहीं दे रहे वो। हम जा रहे हैं उनके घर पे, पता कर रहे हैं लेकिन पता नहीं दे रहे वो। और हमने साहब एक एप्लीकेशन थाना ज्वालापुर में भी दी है, उस एप्लीकेशन पे कोई मुकदमा दर्ज हमारा नहीं हुआ अभी तक। ये 19 तारीख से बता रहे हैं साहब, 19 तारीख के 3 बजे से ज्वालापुर कोतवाली में हम 19 तारीख से डेली आ रहे हैं, रोज की तारीख में आ रहे हैं हम। वो कभी फुटेज पे दिखा रहे हैं, पुलिस फुटेज पे दिखा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।